हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टेनो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज स्टेनो का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताओ, स्टेनो को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। उसी को बोला जाता है आशुलिपि। जो हमारी स्टेनो है, शॉर्ट हैंड है, वो साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। साउंड बेस्ड का मतलब क्या है कि आवाज जो हम सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड की रहेगी जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा एक वर्ड, लिखा क्रो। देखिए, आप क्रो लिखते हो, क्रो में क्या है, आप सी लिखते हो ना, सी। लेकिन जो साउंड हम सुनते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन जो, वो क्या है, क्रो, क क हम बोलते हैं। तो जब भी आप स्टेनो के अंदर क्रो लिखोगे तो उसमें क वर्ड आएगा, सी वर्ड कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड बेस्ड, कि साउंड के अकॉर्डिंग चलना। कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, हम लिखते हैं बाम, बाम के अंदर एल नहीं बोलते हम। एल वर्ड क्या है इसमें, एल लेटर क्या है, साइलेंट है। तो बाम के अंदर जो ब आ म, ये आपको साउंड सुन रहे, तो बाम ही बनाएंगे स्टेनो के अंदर। एल एल जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो इसी का मतलब होता है साउंड बेस्ड, आवाज पर आधारित। अब बेसिकली जो साउंड होती है बच्चों, वो दो तरह की है, हैवी और लाइट, भारी और हल्की। कुछ वर्ड्स को बोलते टाइम ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, हमारे जो माउथ से जो साउंड निकलती है ज्यादा प्रेशर के साथ निकलती है, मतलब हैवी साउंड। और हल्का प्रेशर अगर आता है वो लाइट साउंड। इसकी काफी जरूरत होती है स्टेनो के अंदर, हैवी लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड बोलते हैं पी, फिर बोलते हैं बी। देखिए, पी बी, आप खुद बोल के देखिएगा, पी बी। पी बोलते टाइम जो प्रेशर आता है, जो वो कम आता है, और बी के टाइम पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो पी बी में जो डिफरेंस है, पी लाइट और बी डार्क साउंड होती है। तो सेम चीज़ वही है, लाइट और हैवी और लाइट। अब देखिए, स्टेनो के अंदर आप कॉन्सोनेंट्स भी सीखने होते हैं हमें, वोवल्स भी। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, वोवल्स यानी कि स्वर। कॉन्सोनेंट भी करेंगे, वोवल्स भी। पहले हम करेंगे कॉन्सोनेंट, फिर देखेंगे हम वोवल्स को। इंग्लिश स्टेनो जो आप सीख रहे हो उसके अंदर 26 स्ट्रोक्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के लिए। कॉन्सोनेंट्स जो बनाएंगे हम 26 स्ट्रोक से बनाएंगे, 26 अक्षर जो बनेंगे हमारे। वोवल्स को करेंगे हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद। अब देखिए बच्चों, जो हम 26 स्ट्रोक्स जो बनाएंगे वो थ्री टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, तीन तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, थ्री टाइप्स के स्ट्रोक्स होंगे। स्ट्रोक्स मतलब अक्षर जो हम बनाएंगे, आउटलाइन जो बनाएंगे, थ्री टाइप से बनती हैं। फर्स्ट जो रहता है अपवर्ड स्ट्रोक, यानी कि डायरेक्शन रहती है ना, वो तीन डायरेक्शन होती है। कुछ स्ट्रोक्स बनते हैं अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ हमारे हाथ की मोशन जाएगी। कुछ वर्ड्स होते हैं डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। और कुछ वर्ड रहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर, अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तीन तरह की, तीन डायरेक्शन से ही हम पूरे 26 स्ट्रोक्स को बनाएंगे। एक बात और याद रखनी है आपने, लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में हमारी हैबिट होती है, कुछ बंदे लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं काफ़ी छोटे वर्ड्स, कुछ लिखते हैं काफ़ी बड़े वर्ड्स लिखते हैं। लेकिन स्टेनो के अंदर यूनिफॉर्म लेंथ रखनी है आपने, बहुत बड़े भी आप नहीं कर सकते, बहुत छोटे भी आप नहीं कर सकते हो। लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स कितनी रहती है, 1/6 ऑफ एन इंच। अब आप सोच रहे हो 1/6 मेजरमेंट नहीं करनी है आपको, नियर बाई मैं बता देती हूँ। देखिए, ये वाली जो नोटबुक मैंने, ये जो पेज रखा है आपका, ये वाली नोटबुक ही प्रेस्क्राइब की जाती है स्टेनो के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी जो विड्थ है ना लाइन की, वो बाकी जो आप नोटबुक्स यूज करते हो उससे, उसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो स्टेनो के लिए बेस्ट नोटबुक ये मानी जाती है। इसका 1/6 होता है, नियर बाय एक लाइन में हाफ लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना 1/6 के इक्वली होता है, मेजरमेंट नहीं करनी होती है। तो 1/6 के इक्वल होता है, आपने इतनी ही लेंथ रखनी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो ये आपका 1/6 हो जाएगा एक इंच का। तो बच्चों, ये था कि हमने स्टेनो जो है क्या है उसके बारे में हमने जाना, कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको स्ट्रोक्स बताने जा रही हूँ, जो कॉन्सोनेंट हम 26 स्ट्रोक्स करेंगे उसके बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं और कैसे आपने वो सीखने हैं। देखिए, दो तरह के स्ट्रोक्स रहते हैं हमारे पास, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक्स, स्ट्रेट लाइंस और कर्व स्ट्रोक्स, दो तरह के स्ट्रोक्स रहते हैं। पहले स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानेंगे। लाइन लगाते हैं हम स्ट्रेट 90 डिग्री, उससे थोड़ा सा इधर मूव कर दो, लगभग 120 डिग्री, मेजरमेंट नहीं करनी है, लगभग 120, नियर बाय 120। थोड़ा सा इधर मूव करोगे आप, नियर बाय 75, 90 से थोड़ा सा मूव करोगे, लगभग 75। एक रहता है थोड़ा सा ज्यादा,
60 के राउंड रहता है, ये 60-50 डिग्री के राउंड, और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन 180 पे। तो देखिए ये इस तरह की लाइन्स आपने स्ट्रोक्स को इस पे ही समझना, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेट लाइन लगाई, थोड़ा सा मूव किया आपने 120 पे, दो स्ट्रोक बनते हैं पी और बी। देखिए एक ही लाइन पे आप सोच रहे हो दो अक्षर हम कैसे याद करें, तो बच्चों मैंने अभी आपको साउंड के बारे में बताया था, पी बी, पी की लाइट साउंड रहती है, बी की डार्क। तो जो पी और बी स्ट्रोक बनाओगे आपने यही बात ध्यान रखनी है, पी बनाते टाइम आप अपने पेन को पेंसिल को मूव करोगे हल्के हाथ से लाइट, बी को बनाते टाइम उसको डार्क करोगे। अब देखिए बच्चों कभी भी स्टेनों में ओवर राइट नहीं करते, ओवर राइट नहीं करना, आपने एक ही बार में आपने लाइट डार्क बनाना है। मार्कर की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन जब आप बनाओगे पेंसिल को हल्के मोशन से अगर आप लोगे, हल्के हाथ से लोगे तो लाइट स्ट्रोक बनेगा, थोड़ा सा प्रेशर डाल के बनाओगे तो डार्क। अगर आप देख रहे हो देखिएगा आपको फर्क दिखेगा पी में और बी में, देखिएगा हल्का सा डिफरेंस आपको दिखेगा, लेकिन आप अपने जब अपनी नोटबुक पे लिखोगे पेंसिल से या पेन से लिखोगे तो आप इजीली इस डिफरेंस को दिखा सकते हो। हल्के प्रेशर से बनाओगे तो लाइट, और ज्यादा आपने प्रेशर डाल के बनाओगे तो स्ट्रोक आपका डार्क रहेगा। माइंड में ध्यान रखना ओवर राइट नहीं करोगे, आपने ओवर राइट नहीं करना होता है, उसको लेंथ जो है वो नॉर्मल रखोगे, एक ही बार में डार्क करोगे उसको। जी हाँ, करते हैं स्टार्ट। अब टी डी 90 डिग्री पे टी डी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो टी डी, टी लाइट रखोगे आप। ये जो एरो में लगा रही हूं ना, इसका काम सिर्फ इतना है कि आपको डायरेक्शन याद रखनी है, पी बी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, टी डी डाउनवर्ड रहेंगे, टी लाइट रखोगे आप, डी को डार्क करोगे, टी डी, टी लाइट डी डार्क। छे जे, छे आपने लाइट रख रहे हैं, जे को आप डार्क रखोगे, जे की साउंड डार्क आ रही है 75 डिग्री पे, छे और जे। नीचे की तरफ रहता है आपका के गे, हॉरिजॉन्टल लाइन के गे, एरो रखोगे आप हॉरिजॉन्टल। अगला स्ट्रोक आता है बच्चों रे, नीचे से ऊपर, इसकी डायरेक्शन जो रहती है ना वो अपवर्ड होती है, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी रे, नीचे से ऊपर लगभग 45 के बीच में रखोगे आप इसको इस तरह से। अब देखिए जो हमने स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक्स किए उसके अंदर 9 स्ट्रोक्स आते हैं, टोटल आपके 9 स्ट्रोक्स रहेंगे, 9 स्ट्रोक्स के अंदर से सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक रहा हमारा अपवर्ड रे, एक स्ट्रोक आपका कैसा रहा अपवर्ड रे, बाकी ये डाउनवर्ड और ये आपको दिखाई दे रहा है कि हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो और रेक्टिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे कर्व स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स। देखिए कर्व स्ट्रोक्स में क्या है, बनेंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक्स हमने किए, अब कर्व स्ट्रोक्स में आपको बता रही हूं, कर्व यानी कि एक सर्कल मैंने लगाया, एक सर्कल के अंदर बनते हैं ये, सर्कल के हम 4 पार्ट कर रहे हैं। देखिए जो इतना सा पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका L, L इतना सा पार्ट अपवर्ड बनता है, ये यहां पर R। देखिए बच्चों R जो होते हैं ना स्टन में, दो R हैं, एक रे बताया था मैंने, एक R रहता है डाउनवर्ड, यहां पे आ जाइए आप, ये रहा डाउनवर्ड। जो स्ट्रोक आपको डार्क बताया जाए सिर्फ वही डार्क करना होता है, अगर नहीं बता रखा किसी स्ट्रोक के बारे में इट मींस वो लाइट है, आर दोनों ही लाइट रहते हैं, दोनों लाइट, क्योंकि डार्क साउंड नहीं आ रही, दोनों में सेम साउंड आती है। याद अभी आपने दोनों रखने हैं, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। इसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगी कब आपने डाउनवर्ड रखना है, कब आपने अपवर्ड रखना है, कुछ नेक्स्ट वीडियोस के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड के रूल्स, तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी दोनों ही लर्न करने हैं आपने। एल बताया मैंने ऊपर, एम सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, ये आपका एम रहेगा इस तरह, तो एल अपवर्ड और एम जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइट रहेंगे, लाइट।
नेक्स्ट नीचे अगर बात करें, ये स्ट्रोक हमारा नीचे वाला सेमी सर्कल इस तरह से एन, और अगर आप डार्क करते हो तो इंग। इंग की साउंड कौन सी होती है? मीनिंग, कमिंग, अंग वाली साउंड। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ए बी सी हमने पढ़ा है, उसके अंदर तो कहीं पे इंग आता ही नहीं है, उसमें तो चे कहीं पे होता ही नहीं है। तो बच्चों ए से लेकर जेड तक जो ए टू जेड आप सीखते हो, अल्फाबेट जो सीखते हो, सारी साउंड नहीं बन पाती है। स्टेनो जो साउंड बेस्ड है, साउंड के लिए हमने चे स्ट्रोक, जो अगर चे की साउंड आती है तो उसके लिए ये स्ट्रोक था चे, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर आप देखते हो ना ए टू जेड में कि कहीं पे आपको च की साउंड मिलती ही नहीं है ना प्रॉपरली। तो स्टेनो के लिए वो अल्फाबेट्स याद नहीं रखने आपने, स्टेनो में ये वाले कॉन्सोनेंट्स आप याद करोगे, एन और इंग। एन डार्क किया तो इंग, डार्क रखना आपने इंग को। यहां पे अगर बात करें इस वाले सेमी सर्कल की इस तरह से एस, और डार्क करोगे तो जी। जेड को ही हम जी बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड में, जेड को जी बोला जाता है, जी टीवी जी, वही वाला है ये। डाउनवर्ड डायरेक्शन ध्यान रखनी है आपने, डाउनवर्ड। नीचे अगर ये इतना इसका हाफ इश और जी, जी ज की साउंड देगा ये श ज। यहां पे अगर बात करें ये वाला हाफ रखना इसका, सेमी सर्कल का भी नीचे वाला पार्ट सिर्फ इतना। एफ और वी, एफ लाइट रखोगे, वी को डार्क, फ और व की साउंड आती है इसमें। लास्ट जो कर स्ट्रोक में बचा पेयर हमारा इथ, ये वाला एस से ऑपोजिट इतना, इथ और धी, इथ धी को आप डार्क करोगे, डाउनवर्ड रहेगा। बच्चों ये आपके जो कर स्ट्रोक्स मैंने बताए 13 स्ट्रोक हो गई है, 13 प्लस 9 22 स्ट्रोक्स हो चुके हैं, बट मैंने अभी तक 26 बताए थे, 4 स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिएगा आप, 13 पॉइंट्स जो स्ट्रोक्स मैंने कराए, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक होता है एल जो अपवर्ड रहेगा। पूरे 13 स्ट्रोक्स के अंदर से सिर्फ एल अपवर्ड रहेगा, उसमें मैंने रे बताया था आपको, रे और एल, बाकी स्ट्रोक्स हमारे डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल थे। ये चीज आप अगर याद रखोगे ना स्टार्टिंग से, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 22 स्ट्रोक्स हो गए, 4 स्ट्रोक्स अभी भी बचे, 4 स्ट्रोक्स आते हैं जो कर्व स्ट्रोक्स में भी नहीं आते, आपके स्ट्रेट लाइंस के एंगल में भी नहीं आते हैं, वो देखिएगा कौन से हैं। 2 रहते हैं हमारे हे यानी कि एच, एच एक एच जो बनाते हो आप अपवर्ड बनाते हो, एक आप बनाते हो डाउनवर्ड, हे की साउंड देते हैं ये हे, अपवर्ड डाउनवर्ड। लाइट रहेंगे बच्चों दोनों ही लाइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, क्योंकि डार्क साउंड नहीं आ रही है, साउंड सेम आ रही है। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों याद रखने आपने। रूल्स बताऊंगी कुछ चैप्टर्स के बाद आपको कि कब आपने एच अपवर्ड यूज करना है, कब डाउनवर्ड, अभी दोनों लर्न रखना आप। फिर आता है वे, ये वे, देखिए डब्ल्यू लिखते हैं हम, लेकिन मैं इसको क्या बोल रही हूँ, वे। स्टेनो में इसको वे के नाम से जाना जाता है, कारण क्या रहता है? देखो आप कुछ वर्ड्स लिखे अपने माइंड में, मैं बताती हूँ। वाटर, हमने डब्ल्यू लिखा लेकिन साउंड किसकी देता है? ये व की, व की साउंड देता है, तो इसलिए स्टेनो साउंड वे से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वे। इस तरह से चेक का साइन होता है ना, लगभग वैसा ही है ये। अपवर्ड रखोगे इसको, अपवर्ड लाइट। ये हमने एक वर्ड लिखा यस, यस में मैं वाई लिखती हूँ लेकिन क्या बोलते हो आप, य की साउंड आती है ना, ये य बोला जाता है, तो यस ये बोला, बोलोगे इसे ये, इस तरह से। इसे ऑपोजिट अंदर की तरफ हुक लगाओगे इसमें, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी इसकी, लाइट रहेगा। तो बच्चों ये स्ट्रोक्स थे हमारे पास, 26 स्ट्रोक्स हो गए आपके, ये 26 कॉन्सोनेंट है, यानी कि आपने ये याद करने हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट अगर आप वीडियोस देखोगे वो आपको क्लियर हो पाएंगे, जब तक आपको ये स्ट्रोक्स लर्न नहीं होंगे आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखो प्रैक्टिस बता देती हूँ आप कैसे करोगे, आप अपने नोटबुक पे ऊपर लिखोगे पी, डायरेक्शन डालना पूरे पेज पे, आप कोशिश करना पूरे पेज पे आप पी लिख के देखना इस तरह से। बी को डार्क करना पूरे पेज पर, डार्क करके आप बी लिख के देखना,
ये तरीका रहता है प्रैक्टिस का, इससे क्या होता है आपका हाथ भी स्पीड से चलता है, आउटलाइन भी क्लियर बनती है और आपको लर्न भी हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।